रात के 11:20 हो गए हैं और मैं हूँ इस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और आज मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था काफ़ी दिनों से कि मुझे राम सेतु देखना है। तो रामेश्वरम जो मैं जा रहा हूँ बाय ट्रेन जा रहा हूँ, और मेरी जो ट्रेन है वो हज़रत निज़ामुद्दीन के इस स्टेशन से है जो कि रहेगी मदुराई तक, और मदुराई से मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी रामेश्वरम के लिए। ये जो ट्रेन है सिर्फ मदुराई तक जाएगी, और मदुराई से जो रामेश्वरम का डिस्टेंस है वो आई थिंक 180 किलोमीटर्स। वो मेरी जो ट्रेन है दोस्तों सुबह के 5:20 की है, और ये जो ट्रेन है मदुराई मुझे पहुँचाएगी ऑलमोस्ट 45 आवर में। और अभी दोस्तों मैं स्टेशन पर हूँ तो ऑलमोस्ट 4 घंटे बाकी है, तो अभी मैं बस यहीं पर वेट करूँगा। तो दोस्तों जो टिकट्स थे मतलब मैंने ऑनलाइन ही बुक कर लिए थे तत्काल में, क्योंकि अगर मैं बुक कर रहा था कंफर्म टिकट तो मतलब वेटिंग था लगभग 15 से 20 दिन का, तो मैंने तत्काल में अपने टिकट बुक कर लिए हैं। और दोस्तों मतलब ये जो टिकट्स मैंने बुक किए हैं ये इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है IRCTC उस वेबसाइट पर जाकर किए हैं। तो अभी यार मतलब बहुत ठंड हो रही है, मतलब दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 60 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, और जहाँ पर मैं जा रहा हूँ मतलब रामेश्वरम वहाँ तो मतलब 35 के नियर अबाउट का टेम्परेचर है। फाइनली ट्रेन आ चुकी है, एग्जैक्ट टाइम पर आई है, और अभी मैं अपना कोच फाइंड कर लेता हूँ जो मेरा कोच है। तो जो मेरा कोच है वो है S2, और मतलब मिल गया यार S2 जो है कोच मेरा। तो लगभग 20 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा विजयवाड़ा स्टेशन पर, और यहां पर मैंने लगभग 10 मिनट बिताए, और इस 10 मिनट में मैंने इस स्टेशन से कुछ खाने के लिए ख़रीदा, और खाना ख़रीदने के बाद मैंने अपने पानी के बोतल को फिर से रिफ़िल किया, और यहां पर काफ़ी लोग अपने पानी के बोतल्स को रिफ़िल कर रहे थे। और यहाँ से पानी रिफ़िल करने के बाद मैं अपने कोच की तरफ बढ़ चुका, और कोच में बैठने के बाद मैंने कुछ खाना खाया। वो इस स्टेशन का जो स्टॉप था वो था 10 मिनट का, और मतलब यहाँ पर खाना वाना सब खा लिया, और बस अभी ट्रेन जो है आगे के लिए निकल चुकी।
दोस्तों फाइनली मदुरई में पहुंच चुका हूं। तो ट्रेन से जाने का जो प्लान था कैंसिल हो चुका है, क्योंकि जो पाम्बन ब्रिज है उस पर कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से मतलब ट्रेन चालू नहीं है। तो यहाँ से भी बाई ऑटो मैं जा रहा हूँ जो बस स्टैंड है वहाँ पर, और वहाँ से बाई बस जाऊँगा रामेश्वरम। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ मदुरई के बस स्टॉप पर, बस स्टैंड पर, और बस अभी देखता हूँ कौन से नंबर की बस मिलेगी और कितना फेरा आएगा सब। तो मदुरई का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से भाई ऑटो आया मैं, और ऑटो का जो फेयर था वो था 160 रुपीज़। तो रामेश्वरम की बस में बैठ गया हूँ और फाइनली मतलब बस मिल गई है, और सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। दोस्तों फाइनली मैं अपने होटल में आ चुका हूँ, और यहाँ से जो है देखिए कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है रामेश्वरम का। और अभी दोस्तों मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गया मैं, तो जो राम सेतु है वो मैं कल जाऊँगा, और आप थोड़ा सा होटल को देख सकते हैं। तो इस टाइप का है कुछ होटल है, तो मतलब जगह तो यार खूबसूरत है, अच्छी जगह है रामेश्वरम, और लोग भी मतलब ठीक है। बस थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पर प्रॉब्लम है, लैंग्वेज मतलब हिंदी थोड़ा कम समझ में आती है लोगों को, और इंग्लिश मतलब थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। तो ठीक ठाक है एक्सपीरियंस, और वैसे जगह तो मतलब खूबसूरत है, और बीच के किनारे समंदर के किनारे राम सेतु पर मैं कल जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ ऑलरेडी, 40 to 55 घंटे हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो दोस्तों जिनको ब्लॉग पसंद आए ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।